मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको रसगुल्ले बनाने का बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। सिर्फ एक गिलास दूध का हम यूज़ करेंगे और बनाएंगे ढेर सारे रसगुल्ले। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी रसगुल्ले हम बनाने वाले हैं। एक बड़े कप मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर आप हमेशा किसी अच्छी कंपनी का लें तो हमारी मिठाइयाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं और खासकर रसगुल्ले तो बहुत ही स्पॉन्जी बनेंगे। तो यहाँ एक गिलास जो दूध लिया है उसे सबसे पहले मैं गैस पर रख रही हूँ उबलने के लिए। तो अब आप देख रहे हैं, दूध में जैसे ही उबाल आएगा मैं धीरे धीरे इसमें मिल्क पाउडर को ऐड करूँगी। कभी भी हमें मिल्क पाउडर को पूरा एक साथ नहीं डालना चाहिए, नहीं तो इसके लम्स आ जाते हैं और फिर उन लम्स को हटाने में हमें परेशानी होती। धीरे धीरे कर कर ही मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करती जा रही हूँ और इस विस्कर की सहायता से खूब अच्छी तरह से फेंटते जा रही हूँ ताकि दूध में बहुत अच्छी तरह से मिल्क पाउडर मिक्स हो जाए। अब इस दूध को हमें फाड़ना है। फाड़ने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे विनेगर का। कभी भी आपको डायरेक्ट विनेगर नहीं लेना है कि आप दो चम्मच विनेगर लें और दूध में डाल दें, बिल्कुल नहीं। इससे हमारा छेना बहुत ही हार्ड हो जाता है। हमेशा विनेगर को डाइल्यूट करके ही डालना है। तो दो चम्मच पानी भी मैंने मिक्स कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर और दूध दोनों में बढ़िया उबाल आ चुका है। खूब अच्छी तरह से ये उबल गए हैं। कम से कम 3 से 4 मिनट मैंने इन दोनों को बहुत अच्छे से उबाल लिया है। मिल्क पाउडर दूध में बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है और दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से उबल चुकी हैं। और इस समय अब हमें इस दूध को फाड़ना है। तो दूध को फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पर विनेगर लिया है जिसे मैंने डाइल्यूट कर लिया है। कभी भी आप पनीर बनाने के लिए जब भी दूध को फाड़ें दोस्तों, तो बहुत एकदम दूध उबले और तुरंत ना फाड़ें, कुछ सेकंड, कुछ मिनट आप रुक जाएं ताकि उस दूध की गर्माहट निकल जाए। तो बस अब मैं इसमें धीरे धीरे विनेगर ऐड कर रही हूँ। पूरा विनेगर भी मैंने एक साथ नहीं डाला है, 3 हिस्सों में धीरे धीरे रोक कर डाला है और बिल्कुल दूध अब फट चुका है। अब आप देख रहे हैं दूध का पानी अलग हो गया है और छेना छेना अलग दिखने लगा है। गरम गरम को तुरंत हमें कपड़े पे छानना है। तो मैंने एक बड़े तार वाली छन्नी ली है, पतला सा कपड़ा दुपट्टे का इसमें लगा दिया दोस्तों, और इसकी हम बनाएंगे पोटली। इस पानी को हमें, छेने के पानी को बिल्कुल नहीं फेंकना है। कल मैं जब आटा गूंदूंगी तब आटा मारने में यूज़ कर लूँगी या सब्जी की ग्रेवी में, कढ़ी में आप यूज़ करें। तो बस पनीर जो हमारा ये छेना है दोस्तों, इसकी अच्छी मैंने पोटली बना दी है। ये देखें, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। यदि पानी होगा तो हमारे रसगुल्ले बहुत सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो अब आप देख रहे हैं मैं इसकी जो पोटली है उसे अच्छी तरह से निचोड़ती जा रही हूँ। ये देखें कितना सुंदर, कितना अच्छा हमारा ये जो छेना है ये बनकर तैयार हो गया है। और बस अब इस छेने को हम इस कपड़े की पोटली में से निकाल लेंगे और खूब अच्छी तरह से इसे फोड़ लेंगे और मैश करेंगे। जितना अच्छा हम पनीर को, छेने को मैश करते हैं उतना ही सॉफ्ट हमारा रसगुल्ला बनता है। एक बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ दोस्तों, यदि आपको हाथ से मैश नहीं करना है तो आप मिक्सर का जार लें और उसमें आप मिक्सर के जार को में इसे खूब अच्छी तरह से आप इसे क्रश कर लें। ये देखें, आप देख रहे हैं बिल्कुल लगातार क्रश नहीं करना, रोक रोक के मिक्सी को चलाएं, फिर रोकें, फिर चलाएं, फिर रोकें। तो इस तरह से मैंने इस प्रोसेस को कम से कम 5 से 6 बार किया है। अब आप देख सकते हैं जो छेना बिल्कुल नरम हो गया है, जैसे हमारे रोटी का डो होता है उससे भी नरम हो गया है। कहीं भी इसके मोटे मोटे कण नहीं हैं। फिर भी मैं अपने हाथों की सहायता से, हथेली से एक बार इसे और अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। और बस अब आप रसगुल्ले की छोटे छोटे बॉल बना लें। यदि बड़े साइज़ का रसगुल्ला पसंद करते हैं तो थोड़े से बड़े बॉल बनाएं, परंतु मैं ठीक ठीक साइज़ के बना रही हूँ ताकि सभी को ये हो जाए और थोड़े हमारे जो रसगुल्ले के नंबर हैं, क्वांटिटी, वो ज़्यादा बने। अब आप देख रहे हैं ये बॉल में, अगर आपको क्रेक दिखा, अभी मैंने एक बॉल बनाई, हल्का सा क्रेक लगे तो आप उसे वापस बढ़िया टाइट हाथ से इसकी बॉल बनाइए। ये देखें, बस इस तरह से एक एक गोली को उठाती जाऊंगी और गोल गोल बॉल बनाऊंगी। अब हम इसके पतली सी चाशनी बनाना है दोस्तों। तो एक बड़े कप मैंने शक्कर लिया है, साथ ही मैंने इसमें 2.5 कप पानी डाला है। बिल्कुल पतले चाशनी बनाना है दोस्तों, हमें इसकी चाशनी को पकाना नहीं है, सिर्फ शक्कर को मेल्ट करना है। तो इस तरह से मैंने रसगुल्ले के सभी बॉल बना लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हमारे बॉल लग रहे हैं। और जैसे ही हमारे शक्कर और पानी में उबाल आएगा तुरंत ही हमें रसगुल्ले की बॉल को इसमें डालते जाना है और कम से कम हमें इसे 15 मिनट तक के मीडियम फ्लेम पर पकाना है।
तो जितनी बॉल मैंने बनाई थी सभी बॉल मैंने इसमें डाल दी है। अब आप देख रहे हैं चाशनी में बढ़िया उबाल आने लगा है। बीच बीच में मैं बस कढ़ाई को इस तरह से हिला दे रही हूँ ताकि चारों तरफ से जो रसगुल्ला है वो अच्छी तरह से पक जाए। बहुत ही आसान है दोस्तों, और इस रसगुल्ले के बिगड़ने का बिल्कुल भी डर नहीं कि आप सोचे कि अरे बिगड़ ना जाए, फूट ना जाए, बिल्कुल भी नहीं फूटता है। सबसे आसान रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस इस शक्कर की चाशनी में इसे उबलते हुए कम से कम 8 से 10 मिनट हो गए, हमें पूरे 15 मिनट तक के इसे पकाना है। और रसगुल्ले जो हैं वो करीब करीब ऊपर आने लगे, इसकी पहचान यही है दोस्तों कि पक चुके हैं ये। वैसे आप चाहें तो पूरा 15 मिनट्स तक इसे पकाएं। तो अब आपको दिखा रही हूँ, जब थोड़े से ठंडे हो गए हैं दोस्तों तो मैंने एक कांच के बर्तन में इसे रख लिया है। आप देख सकते हैं जितने सुंदर ये दिखने में उतने ही खाने में स्वादिष्ट है। बहुत ही स्पॉन्जी हमारे रसगुल्ले बने हैं दोस्तों। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके रसगुल्ले कैसे बने, और इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें। तो दोस्तों ये हमारा रसगुल्ला तैयार है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों